सूबा सरकार दे ताज़ा अंकड़े दसदे हन कि पंजाब भर विच घर घर जाके कीते गए सर्वेखण विच आशा वर्करां नूं हुण तक राज दे पेंडू अते शहरी खेतरां विच 5600 कोविड सकारात्मक मरीज मिले हन। हुण तक राज विच लगभग 38 लख घरां तक पहुँच कीती गई अते 1,74,00,000 व्यक्तियां दी जांच कीती गई है, जदों कि जांच कीते गए लोकां विचों 99,000 विच लक्षण पाए गए। 1,78,000 दे तेज़ एंटीजन टेस्ट मौके ते करवाए गए, जिस विचों 5600 व्यक्तियों नूं सकारात्मक पाया गया। इन्हां विचों बहुते सकारात्मक मरीजों नूं होम आइसोलेशन विच भेजा गया, जदों कि सिर्फ 550 सकारात्मक मरीजों नूं हस्पताल विच दाखिल करवाया गया। पंजाब हैल्थ सिस्टम कारपोरेशन के चेयरमैन अमरदीप सिंह चीमा ने कहा, इस सर्वेखण ने कोविड-19 विरुद्ध लड़ाई विच सानूं बेहतर स्थिति विच रखिया है। सारे राज विच लक्षण वाले मरीजों बारे हुण साडे कोल स्पष्ट तस्वीर है। आशा वर्करां ने इस सर्वेखण दौरान शलाघायोग काम किया है अते हर दरवाजा खड़काया है। उसने अगे कहा, कोविड-19 विरुद्ध लड़ाई छेती नज़रबंदी अते इलाज शुरू करन बारे है। असी सर्वेखण दौरान पाए गए सारे 5600 सकारात्मक मरीजों नूं फतेह किटां प्रदान कीतियां। इन्हां विचों बहुत सारे मरीजों ने अपने लक्षणों बारे दसना नहीं सी अते वायरस दूजियां नूं दे देना सी, पर सर्वेखण ने उन्हां नूं लभ लिया। इस दे नाल ही असी गंभीर मरीजों नूं हस्पताल विच दाखिल करवाया है। सर्वे चल रहा है। चीमा ने कहा कि बहुत सारे पेंडू खेतर कवर किए गए हैं अते हुण शहरी खेतरां ते ध्यान दिता जा रहा है। स्थाई तनखा बिना सिर्फ प्रोत्साहन ते काम करना आशा वर्कर इस सर्वेखण लई सब तो अगे हैं। सूबा पद्धरी आशा यूनियन की आगू परमिंदर कौर मान ने कहा, असी पिछले साल भी इस तरह का सर्वेखण किया सी। इस साल भी सरकार ने सानू सर्वेखण लई दस्ताने अते मास्क नहीं प्रदान किए। इस तो इलावा कुछ लोग हैं जो ये दोष लगाउणगे कि साडा उद्देश सर्वेखण करना नहीं सी पर कोविड-19 फैलाउणा सी। अक्सर लोग साडे नाल बहस करते हैं अते जानकारी देने तो इनकार करते हैं। यह सच है कि पिछले एक साल दौरान लोगों में जागरूकता वधी है, इसलिए काम के हालात उन्ने विपरीत नहीं सन जिन्हें पिछले साल सर्वेखण दौरान सन।